आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। गोपी कांदा थाना क्षेत्र के सुरुजुड़ी पंचायत के कारी पहाड़ी गांव के 44 लोग लॉकडाउन में मजदूरी कर घर लौटा है, जिसमें महिला और पुरुष शामिल हैं। प्रखंड प्रशासन के द्वारा गठित ग्राम समिति सदस्यों के द्वारा ग्राम में सर्व कर सभी को चिन्हित किया गया। इसकी सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार को सौंपा गया है। इसके बाद भी उक्त गांव के 44 लोगों को ना तो स्क्रीनिंग कराया गया और ना ही स्वास्थ्य जांच हुआ है। अब तक अन्य राज्य से मजदूरी कर चुपचाप से घर लौटे 44 मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में भी नहीं लाया जा सका है। सभी 44 लोगों में से 41 लोग पश्चिम बंगाल में ईंट भट्टा में काम करने के बाद घर लौटा है, जबकि 3 लोग हैदराबाद से लौटा है। कंफ्यूजन हो गया ग्रामीणों को, तो उसमें सर्वे को लेकर के ग्रामीणों का आपत्ति था और उनका ये कहना था कि कुछ जो सर्वे हुआ है वो गलत हुआ है, तो उसी के कारण ग्रामीणों में थोड़ा आक्रोश था। जो सर्वे किए थे, जो टीचर थे, सेविका थी, सहायिका थी, तो उनके सर्वे पे आपत्ति था। ग्रामीण थोड़ा आक्रोशित थे, तो इस क्रम में ग्रामीणों को समझाया गया कि आपके हित के लिए सर्वे किया जा रहा है, जो भी डाटा है वो सरकार इस पे पॉजिटिव तौर से उस पे संज्ञान लेकर के हर संभव उसको मदद देगी, मेडिकल का एवं अगर किसी तरह की भी व्यवधान है तो उस समस्या को सरकार दूर करने के लिए सर्वे करवा रही है, ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ा जा सके। लोगों को समझाने बुझाने के बाद लोग जो है इस बात को समझे और ग्रामीणों को सहयोग करने के लिए बोला गया, वहाँ के मुखिया को भी बुलाया गया। और खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।